आईएमएफ ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन दे दिया है, बेल आउट पैकेज दे दिया है। गाइस इसी $3 बिलियन के साथ पाकिस्तान आईएमएफ का चौथा बड़ा कर्जई मुल्क बन गया है। इसी $3 बिलियन के साथ पाकिस्तान के ऊपर कर्जा भी $10 बिलियन हुआ जाता है। इन सब कर्जों के एवज हमें अपने बंदरगाह और हमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी गिरवी रखवाना पड़ सकता है आने वाले टाइम के अंदर। इतना कर्जा लेने के बाद क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? क्या हम दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं? कर रिलेटेड है, आईएमएफ से हमने कर्जा ले लिया $3 बिलियन का, मजीद टोटल पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम $10 बिलियन का कर्जा है। क्या समझते हैं आपके इस सिचुएशन के अंदर आते हुए कैसे सर्वाइव करेंगे आगे? क्या ये कर्जा आखिरी कर्जा या फिर मजीद भी कर्जे लेंगे हम? मजीद कर्जे अवाम तो फंसेगी ना, देना किसने है? तो ये तो अवाम को ही पे करना पड़ेगा ना। आईएमएफ से कर्जा लेके मजीद आप उल्टा फंसा रहे हैं अवाम को, टैक्सेस की सूरत में भी और वैसे भी, इसका फायदा तो कोई नहीं है। पाकिस्तान आईएमएफ से कर्जा लेने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया जिसने सबसे ज्यादा 23 मरतबा कर्जे लिए आईएमएफ से। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान एक तरफ है जो कि चौथा बड़ा कर्जई मुल्क है जो कि आईएमएफ से लेने वाला है, दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है जो कि चौथी बड़ी पांचवी बड़ी मईशत है वर्ल्ड वाइड के अंदर। क्या समझते हैं मुकाबला कर सकते हैं इस हालत में? नहीं, कभी भी नहीं कर सकते। इसका तो श्रीलंका से भी बुरा हाल होगा, जो अभी करंटली जो सिचुएशन है इस सूरत में कुछ बनता नहीं था, बिल्कुल नहीं बनता। हाँ जी, बिल्कुल नहीं बनता। कैसे मुकाबला करेंगे? अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसके मुताबिक उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने, अगर आपने कश्मीर के बारे में सोचा तो पाकिस्तान हम घुस के मारेंगे। क्या उसने हमारी सिचुएशन सारी देखने के जायजा लगाने के बाद ये स्टेटमेंट दी है? ये भी क्या समझते हैं आप, फ्यूचर कैसा हमारा? फ्यूचर तो कुछ भी नहीं, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। फ्यूचर तो खत्म हो गया, इधर पाकिस्तान में रहना सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया। जो हालात हैं अब देखेंगे, मोटरवे भी उन्होंने अब समझ लें गिरवी या बेच दिया, तो पाकिस्तान में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। सर $2 बिलियन हमने सऊदी अरेबिया से, $1 बिलियन हमें मिल गए उससे यूएई से, दुबई से मिल गया हमें। क्या समझते हैं आपके इन सारी कंट्रीज से हम लेते जा रहे हैं तो इसके बरक्स अभी हमारा जो बंदरगाह पोर्ट भी हम गिरवी रखवाने जा रहे हैं, उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी गिरवी रखवाने जा रहे हैं। क्या समझते हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारा मुल्क तो हम बेचने की तरफ तो नहीं जा रहे? बिल्कुल ऐसी है, सारा कुछ ऐसी ही, वही बात है ना कि गिरवी सारा कुछ दे देंगे और समझ लें ऑलमोस्ट पाकिस्तान तो बिक गया। तो पहले हम अंग्रेजों की गुलामी से निकले, फिर बुरा ही हाल है, कुछ नहीं। क्या समझते हैं कि ट्रेड खोल देनी चाहिए अभी इंडिया से या फिर अब भी हम दुश्मनी करेंगे आगे? खोलनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है इंडिया तो वैसे ही हमारा दुश्मन मुल्क है, तो वो होना नहीं चाहिए। ट्रेड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ट्रेड ना हुआ तो फिर मैं कह रहा हूँ, आपने कहा भीख मांगने पे आए हुए हैं, अब यही हम ट्रेड कर लेते हैं तो वर्ल्ड वाइड के अंदर उनकी चीज़ें भी हमारे पास आएंगी, हमारी चीज़ें भी दुनिया में जाएंगी। अगर इंडिया के पास ही चली जाती है तो इंडिया के अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, ठीक कह रहे हैं। क्या ट्रेड होनी चाहिए इंडिया से? मेरा नहीं ख्याल है, नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कोई अपना माइंडसेट बताएं ताकि पब्लिक को पता चले कि इस वजह से हमारी ट्रेड नहीं होनी चाहिए। आपने अपना राय देनी है इस बारे में, बहुत जरूरी है, ये मैं चलाऊंगा भी। सही राय देनी है, क्यों नहीं होनी चाहिए ट्रेड? नहीं होनी चाहिए, उसकी रीजन ये है कि मुल्की हालात आपके सामने हैं, अभी तो कर्जे में फंसा हुआ पाकिस्तान, मजीद आप आईएमएफ से कर्जा ले, ट्रेड होगी, बैंकर है मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ। अगर हम ट्रेड करते हैं उनके साथ तो आपको नहीं लगता कि हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? मसाइल फिर भी हल नहीं होंगे, महंगाई मजीद बढ़ेगी। अब इनको लोन मिल भी जाएगा आईएमएफ से, तो मजीद आप देखें कि अब आगे क्या होता है, जुलाई में मजीद महंगाई होगी, कम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। नाम आपका? मोहम्मद अदनान गौरी। गौरी साहब, दोबारा से आपसे बात कर रहे हैं हम, अभी बहुत ज़रूरी टॉपिक है, आप बैंकर हैं, इसी रिलेटेड ही है हमारा आज का टॉपिक है। आईएमएफ से हमने $3 बिलियन का मजीद लोन ले लिया हुआ है, तो क्या समझते हैं आप लोन्स पे लोन ले जा रहे हैं, $10 बिलियन का पाकिस्तान के ऊपर कर्जा हो गया है, $10 बिलियन का कर्जा हो गया, पाकिस्तान आईएमएफ से कर्जा लेने वाला चौथा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। क्या समझते हैं आपके हमारी रैंकिंग थर्ड क्लास नीचे से आती है और अदर कंट्रीज की रैंकिंग वो टॉप कर रहे हैं? भाई अगर आप पड़ोसियों को देखो, हमारे पड़ोसी दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, पांचवी बड़ी इकोनॉमी है, चौथी बनने जा रही है। क्या समझते हैं आप, क्या हमारे मुकद्दर में यही चीज़ें लिखी हैं कि हमने लोन पे लोन लेते रहना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान का ना शुरू से इशू यह है कि इनके पास पैसे नहीं है, हमने दुनिया से पैसे ले लेके अपना कंट्री चलाया है।
अब देखें, हम बैंकर हैं, हम किसी को पैसे देते हैं तो उसने वापस भी करने होते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी होता है। IMF हमें जितना लोन देता है उतना ही, उससे डबल इंटरेस्ट हम उसको सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल में ही है हमारा स्टैंड। हम हर साल पूरी कौम मेहनत करती है, 12 महीने हम पैसे कमाते हैं, अमीर हो गरीब हो कोई भी रिलेटेड अफसर हो कोई भी बंदा है वो पैसे कमाता है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, 12वें महीने में हम जाके IMF को उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट होता है, नॉट अ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वहीं स्टैंड है और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जनवरी में जाके दोबारा वापस ले आती है। तो यार कर्ज कैसे ख़त्म होगा, ये इन्होंने 70 साल में ऐसा सर्कल बनाया हुआ है कर्ज का कि वो कर्ज बस अवाम उतारी जाए और गवर्नमेंट जाके ले जाए, अवाम उतारी जाए गवर्नमेंट जाके यही ले जाए, तो हम कर्ज से बाहर अभी नहीं आ सकते। कंट्री इतना स्टैंड है ही नहीं कि हम कर्ज से बाहर आ सकते। लेकिन IMF ने पैसे दिए हैं और हमारे लिए थोड़ा बेस्ट भी है, पैसे नहीं होंगे तो कंट्री डिफॉल्ट हो जाएगा, सारी बड़ी कंपनीज भाग जाएंगी कि यार पैसे हैं नहीं, बैंक्स बंद हो जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग क्लोज हो जाएगा। गवर्नमेंट ने ये अच्छा किया कि पैसे वहाँ से ले आई है, अब अपनी आवाम पे लगाए और आवाम से लेके उनको वापस करे सही टाइम पे, तो फिर ही कर्ज उतर सकता है। अदरवाइज इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ही होगा बस, और नहीं कुछ हो सकता। सर इसी रिलेटेड बात करूंगा, अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया से भी हमारे आर्मी चीफ जाकर $2 बिलियन लेके आए हैं और दूसरे नंबर पर हमारे आर्मी चीफ दुबई भी गए, दुबई से भी $1 बिलियन लिए और कुछ चाइना से भी लिए हैं पैसे। सर क्या समझते हैं आपके, इसी तरह ही जब हम कर्जे लेंगे हमारे बड़े अदारे वहाँ पर भी जाकर मांगते हैं तो वर्ल्ड वाइड के अंदर हमारी रिस्पेक्ट होगी। अभी रिसेंटली इंडिया की तरफ से एक बयान आया, इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर कश्मीर की बात करेगा तो हम घुस के मारेंगे उनके घर पर। क्या समझते हैं आपके, जब इस तरह के हमारे मुल्क के हमारे बड़े जब बाहर जाकर हम मांगेंगे तो क्या हमारी रिस्पेक्ट होगी? इंडिया ने अगर ये बयान दिया तो हमारे मौजूदा सिचुएशन को देख के दिया या फिर हमारी बैक को देख के दिया? देखिए हमारे जो हुक्मरान है आर्मी चीफ साहब को पता है कि कंट्री कैसे चलाना है, उनको इस चीज़ का नो हाउ है कि पैसे कहाँ यूज़ करने हैं, किससे लाने हैं, किसको देने हैं, किसको रिटर्न वापस करने हैं। दुबई हमारा फ्रेंड है, वो पैसे दे देगा, कोई इशू नहीं है। सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड है, उन्होंने आर्मी चीफ को पैसे दिए तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए दिए, कोई इशू नहीं। रही बात इंडिया की, तो वो देखें इस टाइम हम पाकिस्तान लड़ाई की सिचुएशन में नहीं, हम लड़ना नहीं चाहते बेसिकली, कि यार हम नहीं चाहते कि कोई लड़ाई हो, झगड़े हो, जंग हो। इस टाइम जंग सिर्फ एटॉमिक बम पे है जो गौरी मिसाइल है पाकिस्तान के पास। इंडिया जितनी मर्जी ताकत लगा ले, जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान से जंग नहीं जीत सकता। हमारे मिसाइल उनसे 200 गुना बेहतर मिसाइल है। सर हम तो अपनी जंग खुद मर रहे हैं, यहाँ पर आटे के नहीं चीनी के लिए नहीं मर रहे, तो हमने गौरी कहाँ चलाना। सर सर अब आप एक बैंकर हैं, उसके रिलेटेड मैं बताना चाहूँगा, आप पढ़े लिखे हैं फिर भी आप ये मिसाइल की बात कर रहे हैं, आप एटॉमिक पावर्स की बात कर रहे हैं। सर आज की जो जंग है वो बताएं इकोनॉमी की है या नहीं है? नहीं, इकोनॉमी की जंग इकोनॉमिकल लिहाज से मैं बताना ये चाह रहा हूँ, अगर इकोनॉमिकल लिहाज से बात करेंगे इंडिया हमसे 1000 साल आगे है इकोनॉमी के लिहाज से। सर क्या हम इंडिया के साथ जंग कर सकते हैं? अभी हमने जितने कर्जे लिए हुए हैं हम अपनी हर चीज़ गिरवी रखवा रहे हैं, हमारे एटॉमिक पावर भी, वो भी गिरवी रखवाने के लिए इकदाम किए जा रही हैं। बताएं अगर जिसके ऊपर हम इतराते हैं, जिसके ऊपर हम बड़े बड़े मुल्कों को धमकी देते हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जब वहीं हमारे पास चीज़ नहीं रहेगी तो हम कैसे मुकाबला करेंगे दुनिया का, आप मुझे बताएं। अच्छा मैं पहले 2-3 सवाल किए, मैं आपको एक एक करके जवाब दे। देखिए वो कहते हैं पाकिस्तान में ना आटा है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना चीनी है, इनके पास कुछ भी नहीं है, तो इनके पास सिर्फ मिसाइल है। देखें कुछ ना होने के बावजूद हमारा मिसाइल है, दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं उनके पास सब कुछ है लेकिन उनके पास मिसाइल नहीं है। मिसाइल पे हमें वाकई फ़ख्र है और मिसाइल अगर ना हो तो पाकिस्तान को इतने खतरनाक बॉर्डर है हमारे कि वो बर्मा बना दे, चारों तरफ से अटैक हो और पाकिस्तान एक मिनट में उड़ा के रख दे। हमारा बम वाकई हम फ़ख्र करते हैं, मेरा नाम मोहम्मद अदनान गौरी है, मेरे नाम पर ही मिसाइल है, इसलिए मेरा फ़ख्र और ज़्यादा है माशाल्लाह कि मिसाइल हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और रही बात लड़ाई झगड़े की, लड़ाई ये नहीं होती कि अब इकोनॉमी, हमने ये इंडिया को आप देख लें, हमें इंडिया से कोई गर्ज नहीं, हमें कश्मीर से कोई गर्ज नहीं, उधर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया, हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से गर्ज होनी चाहिए कि पाकिस्तानी कोई चीज़ गिरवी नहीं रखवानी चाहिए, पाकिस्तानी कोई चीज़ किसी और कंट्री के पानी चाहिए। आप देखें यूक्रेन का भी यही हुआ, उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट की गई, फिर उनके मिसाइल लिए गए, उनके इशू क्रिएट करके हमला किया, अगर पाकिस्तान के वो भी इसी दो राहे पर लाया जा रहा है, लेकिन ये हमारी फ़ौज पाकिस्तान की नंबर वन फ़ौज है, इसके बिहाफ पे पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास बम है, ये जो आटा चीनी ये रोना धोना, देखें मैं एक छोटी सी आपको बात करता हूँ, आप भी इसी कंट्री में आते हैं, मैं बैंकर हैं, हमें पता है सारों के अकाउंट्स भरे पड़े हैं, अवाम के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे की,
प्रॉब्लम उसके लिए है जिसने काम नहीं करना। अल्लाह ने भी फरमाया है कि आप घर से उठें, आप काम करने जाएं तो आपको रिजक मिलेगा। 90% लोग इसलिए जिसका पैसे वो भी रो रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी रो रहा है। ज़्यादा रोने वाले वो हैं जो काम नहीं करते, और लोग कहते हैं यार इस कंट्री ने ये कर दिया, इस कंट्री ने वो कर दिया। इसलिए हमें इकोनॉमी की इस टाइम अगर लड़ाई कर ही नहीं सकता पाकिस्तानी, उनके पास पैसे ही नहीं है, उनके उन हमारी आपने कहा कि पाकिस्तानी के पास बहुत पैसे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं है। दूसरे नंबर पर अपने इस्तेमाल के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए लोग पैसे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बड़े बड़े अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं, बड़े से बड़ा ब्रांड में खाना खाते हैं, और पैसे हैं इनके पास। मैंने कहा पैसे उसके पास नहीं है जिसने काम नहीं करना, सिंपल। सर यहाँ पर एक बार मैं बात करना चाह रहा हूँ, अभी बताएं कि इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए या फिर जंग करनी चाहिए? देखिए इंडिया के साथ हमें ना इस टाइम ट्रेड भी नहीं करनी चाहिए और जंग भी नहीं करनी चाहिए। सर हम मोहताज हैं, आप बताएं कि जो हमें जो अभी रशिया का नाम लेकर जो ऑयल आया गया वो कहाँ से आया? नहीं रशिया वाला मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। सर आपको इस बारे में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जब आपके पास गोरी के बारे में इन्फॉर्मेशन है, जब आपके पास न्यूक्लियर एटॉम, सर वो शौक, सर इकोनॉमी भी हमारा शौक होना चाहिए। सिर्फ आप बताएं कि जंग करेंगे तो क्या उनके पास भी तो मिसाइल है, वो भी तो चला सकते हैं। सर हमें अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान दुनिया के अंदर इसलिए पहचाना जाता है कि यहाँ पर पाकिस्तानी बात में करते हैं, पहले मार देते हैं बंदे को। यही सोच हमें बदलनी है सर। सर हमें एजुकेट होना। आप एक बैंकर हैं, मैं इसी रिलेटेड आपसे बात करने आया था कि आपने बात की थी कि भाई हमारे पास गोरी, मुझे अपने मुल्क पे फ़ख्र है, हमारे जो एटॉमिक पावर है उसके ऊपर भी मुझे फ़ख्र है, लेकिन सर हमें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा इकोनॉमी के लिहाज से, हमें एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल आपकी सारी बातें ठीक हैं। अब पहली बात का जवाब, जो दुनिया में ये इमेज है कि पाकिस्तान में इसे टूरिज़्म नहीं आता क्योंकि लोग आते हैं मार के चले जाते हैं, यहाँ जान का सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान में है, और ये आप इसको बदल नहीं सकते, क्योंकि एक रेमंड डेविस आया यहाँ सड़क पे दो कत्ल करके निकल जाता है इंसान, वहाँ पे अमेरिका में डॉक्टर आसिया को उन्होंने शुबे में इतनी बड़ी सजा दे दी। आपको पता है रेमंड डेविस यहाँ पर आया और उधर जब वापस अमेरिका जाके क्या कहते है? पता कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। रेमंड डेविस कहता पाकिस्तानी को खरीदना बहुत आसान है, वहाँ पर हर कोई बिकता है, अब न खरीदना बस। वो कहता है कि मैंने दो बंदों को मार के मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, वहाँ पर पूरे मुल्क को तबाह करके आप पैसे दे के यहाँ पर आ सकते। बिल्कुल सही बात है। देखिए सबसे बड़ी बात, आपस में यहाँ प्यार मोहब्बत इखलास खलूस सब कुछ ख़त्म हो चुका है, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है, ये इशू है। मेंटेलिटी एक इंसान से नहीं चेंज हो सकती, पूरे माशरे को इकट्ठे काम करना पड़ेगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट और एक दूसरे की केयर करेंगे तो ये सब कुछ ठीक होगा। अदरवाइज इसी तरह रेमी डेविस आते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे और काम इसी तरह ही चलता रहेगा। इस तरह मेरे कहने से, आपके कहने से, हम बैंकर से कहने से माहौल नहीं बदलेगा। एक और बात बताता हूँ, जान की हिफाजत की जो बात, जो रोज़ राइज बेंटले फरारी ओडी मर्सिडीज ये सब गाड़ियाँ बनाते हैं, और ना कई कंपनी ऐसी हैं उसमें ना गारंटी लिख के देती है कि अगर आप पहाड़ से भी हमारी गाड़ी फेंक देंगे तो उसमें इंसान डैमेज नहीं होगा। पाकिस्तान में उल्टा इशू है, बाइक और गाड़ी की टक्कर होती है तो एक बंदा दूसरे गोली मार देता है, या जान जिस चीज़ की हिफाजत के लिए वो लोया बनाया जाता है वो लोया उसकी जान ले लेता है। वो जो सदियों पहले बादशाह ने, जो मुग़ल बादशाह ने जो रोज़ राइज मंगवाई थी, बादशाह साहब खुद गए वहाँ कंपनी में, उन्होंने वहाँ रिक्वेस्ट की जी मुझे रोज़ राइज दें, उन्होंने कहा जी नहीं हम आपको नहीं दे सकते। बादशाह ने कहा सोना चांदी हीरे जवाहरात मैं हर चीज़ दूंगा लेकिन मुझे गाड़ी दो, उन्होंने कहा नहीं। रीज़न ये निकाली कि उन्होंने कहा आपके पास इस गाड़ी की हिफाजत करने के लिए है लेकिन आपके पास इंसानों की हिफाजत करने के लिए आपके पास जज्बात नहीं है, इस वजह से हम आपको गाड़ी सेल नहीं करेंगे। रीज़न पैसों की नहीं थी, उन्होंने कहा जिस इंसान की हिफाजत के लिए हमने गाड़ी बनाई है तुम्हारे यहाँ तो उसी की वजह से जान ले लेते हैं, तो बादशाह साहब आपको गाड़ी नहीं मिल सकती। तो बादशाह ने फिर गुस्से में आकर स्मगल करके गाड़ी मंगवाई। इशू आप वाली बात ही यही थी कि पाकिस्तान में जान की हिफाजत नहीं, बाकी सब कुछ है। सर यहाँ पर फुल एंड फाइनल लास्ट पे मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे, जो कि आप बहुत ज़्यादा उस बारे में बात करते हैं। सर सवाल मेरा फिर से वही है, क्या हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने की ज़रूरत है या नहीं? मैं बताना चाहूँगा मैं इंडिया की बात क्यों कर रहा हूँ बार बार। सर एक ही ओरिजिन है, अगर आप 100 साल या 1000 साल पीछे जाएंगे एक ही थे, हम वहीं से ही निकले हैं। सर आज हम मुंह फेरते हैं कि कहते हैं कि भाई उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप हकीकत अगर पसंद हैं, अगर हकीकत को देखेंगे ताल्लुक सारा हमारे उन्हीं के साथ है, उनसे मुँह मोड़ रहे हैं हम जिनसे हम निकले हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज रिलेशन बेहतर होते हैं, ट्रेड होती है, दुनिया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, दुनिया इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड है। सर दुनिया आ रही है नरेंद्र मोदी के पांव पकड़ रही है कि भाई हमारे साथ सिर्फ लेन देन करो, अपनी बनाई हुई चीज़ें हमें दो, हमारी लो आप,
यहाँ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ा मसाइल हमें ये आ रहा है कि हमें एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। अगर चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। जो आईफोन हम इंग्लैंड से अमेरिका से मंगवाते हैं, अगर वहीं आईफोन हम इंडिया से मंगवा लें तो हमें बहुत सस्ते रेट पर मिलेगी। जो आल्टो गाड़ी हम यहाँ पर इस टाइम 31 लाख की खरीद रहे हैं, अगर हम वहीं इंडिया से लेंगे तो वो 4 लाख की पड़ेगी। बताएं कितना बेनिफिट है गरीब आवाम को, कितना रिलीफ मिलेगा। बम धमाके करने से बेहतर ये नहीं है कि हम ट्रेड कर लें। यार बिल्कुल, आप वाली बात, ट्रेड तो दुनिया की बेस्ट चीज़ है, आपको लड़ाई झगड़े से बेहतर है ट्रेड करना। लेकिन पाकिस्तान इंडिया का इशू ये है कि इनको जो 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 हमारे अमीर सियासतदान, अमीर गवर्नमेंट्स, अमीर सारे, उनके रिलेशन इंडिया से है, वो सब के सब इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो नॉन मुस्लिम है और ये मुसलमान कंट्री है, कई चीज़ों में हमारा इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंडिया से ट्रेड हमारी बन नहीं सकती। हम जो, और दूसरी बड़ी बात मैं एक और बात बताता हूँ, जितने पाकिस्तानी चैनल्स इस टाइम मूवीज़ बना रहे हैं, जितने पाकिस्तानी चैनल की मूवीज़ हिट हो रही हैं, उनकी जो कंपनीज हैं प्रोडक्शन, वो सारी इंडियंस हैं। जितनी पाकिस्तान, वो कहते हैं इंडियंस बेस्ट मूवीज़ बनाते हैं कंपनियाँ, उनकी इंसान हमारे, पैसा हमारा, शूटिंग पाकिस्तान में, तो इसलिए हमारी फिल्में कामयाब हो रही हैं। इंडिया के साथ हमारा रिलेशन है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, 4 लाख वहाँ पे है, यहाँ पे है 31 लाख। वो इसलिए है कि हमारी गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक का पैसा देना ज़्यादा, इस वजह से रेट टैक्सीज हैं गवर्नमेंट, देखिए लोया है वहाँ पे, लोया वही है, यहाँ भी लोया वही है, लेकिन जो हमारी कॉस्ट है वो सिर्फ टैक्सीज है जो हम गवर्नमेंट को पे करें, जिसकी वजह से गाड़ी कॉस्ट इतनी बढ़ती है। इस वजह से हमारा कभी भी ये अलायंस इंडिया के साथ नहीं हो सकेगा और ना ही गवर्नमेंट करेगी ऐसा। अगर आज रिलेशन हमारे बेहतर हो जाते हैं, जो हम यहाँ से नेगेटिव उनके बारे में गलत बयान देते हैं, आज रिलेशन बेहतर हो जाते हैं, कश्मीर का मसला सॉर्ट आउट हो जाता है, एक हो जाते हैं हम, तो वर्ल्ड की सुपर पावर, मतलब कि पाकिस्तान और इंडिया बनेंगे या नहीं बनेंगे? बिल्कुल, हम पहले ही सुपर पावर है इस एशिया के बड़े आजम पे, पाकिस्तान और इंडिया सुपर पावर्स हैं, दोनों ही कंट्रीज, दोनों के मिसाइल बेस्ट हैं। दूसरी बात, कश्मीर के मसले की वजह से देखें, ये तनाज़ा 70 साल से चल रहा है और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। दूसरा, कश्मीर एक अलहदा कंट्री है, ना वो इंडिया का है ना वो पाकिस्तान का है, उनका